तो बच्चों, अब आपको समझ में आया कि अव्यय किसे कहते हैं। वह शब्द जिनका कोई लिंग वचन के अनुसार रूप नहीं बदलता, उसे अव्यय कहते हैं। अब हम जानेंगे अव्यय भाव समास क्या है। तो उदाहरण देखिए, यहाँ पर उदाहरण आप लोग को देखने हैं, अच्छी तरह से समझना है। पहले उदाहरणों को मैं लिख रहा हूं। प्रतिदिन प्रतिदिन भरपेट भरपेट बाकायदा यथाशक्ति यथाशक्ति। तो देखिए, इनका मैं जब विग्रह करूंगा तो क्या बदले। प्रतिदिन मतलब हर एक दिन, हर एक दिन, या हर दिन भी कह सकते हैं हम। भरपेट मतलब पूरा पेट, भरपेट मतलब पूरा पेट। बाकायदे का मतलब है कायदे के अनुसार, लॉ के अनुसार, कायदे के अनुसार। बाकायदा मतलब कायदे के अनुसार। उसी तरह से यथाशक्ति, शक्ति के अनुसार। तो यहां पर आप लोग को ध्यान देना है कि हम विग्रह करते हैं, विग्रह के आधार पर हम अव्यय भाव समास को नहीं पहचान सकते। तो हम कैसे पहचान सकते हैं अव्यय भाव समास को? तो देखिए, यहाँ पर मैंने प्रतिदिन लिखा, तो यहाँ पर दिन के साथ क्या जुड़ा है? प्रति। पेट के साथ क्या जुड़ा है? भर। कायदे के साथ क्या जुड़ा है? बा। और यथा के साथ, ये शक्ति के साथ क्या जुड़ा है? यथा। ये सारे क्या होते हैं पता है आप लोगों को? जैसे कि यहाँ पर मैंने प्रति लिख दिया, भर लिख दिया, बा लिख दिया, यथा लिख दिया। तो ये सब क्या होते हैं पता आपको? ये सारे उपसर्ग हैं, प्रीफिक्स। इन्हें हम अंग्रेजी में क्या कहते हैं? प्रीफिक्स कहते हैं। ये सारे प्रीफिक्स हैं। और ये प्रतिदिन मैंने जो लिखा, यह भरपेट मैंने जो लिखा, बाकायदा मैंने लिखा, यथाशक्ति ये मैंने लिखा, ये पूरा शब्द अव्यय शब्द है। तो अव्यय शब्द में कौन सा शब्द होगा जानते हैं आप लोग? अगर आप लोग को यह उदाहरण दिया, मैं प्रतिदिन आऊंगा, मैंने ये उदाहरण लिखा, तो बताइए कि आऊंगा क्या है? क्रिया है। लेकिन क्रिया कैसे होने वाली है? प्रतिदिन। मतलब ये क्रिया की विशेषता बताने वाले शब्दों को हम क्या कहते हैं? क्रिया विशेषण। क्या कहते हैं बच्चों? क्रिया विशेषण। तो ये प्रतिदिन शब्द क्या है? क्रिया विशेषण। इसलिए उसके बाद भरपेट, मैंने भरपेट खा लिया, तो खाने की क्रिया कैसी हो रही है? भरपेट, पूरा पेट। तो यहां पर भरपेट भी कैसा शब्द है? क्रिया विशेषण। बाकायदा, आप बाकायदा काम करे, कायदे के अनुसार काम करे। काम करने का तरीका कैसा होना चाहिए? कायदे के अनुसार। ये भी क्रिया विशेषण। यथाशक्ति, आप यथाशक्ति उस काम को कर सकते हैं। मतलब आप अपनी शक्ति के अनुसार उस काम को कर सकते हैं। तो करने की क्रिया यथाशक्ति, बाकायदा। उसी तरह से खाने की क्रिया कैसी हो रही है? पूरा पेट हो रही है। और आने की क्रिया कैसी हो रही है? प्रतिदिन हो रही है। तो क्रिया की विशेषता बताने वाले शब्दों को ही क्या कहते हैं बच्चों? हम क्रिया विशेषण। और क्रिया विशेषण ही कैसा शब्द है? अव्यय है, क्योंकि इसमें लिंग वचन कारक का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। तो अब आपको समझ में आया होगा कि एक तरह से अव्यय भाव समास किसे कहेंगे। तो अव्यय भाव समास को पहचानने का सबसे पहला तरीका है कि जिस सामासिक शब्द में पहला शब्द उपसर्ग हो, पहला शब्द क्या हो? उपसर्ग हो, और पूरा शब्द क्या होगा यहां पर? क्रिया विशेषण।
पूरा शब्द क्या होता है? समस्त पद क्रिया विशेषण होता है, तो उसे ही हम कौन सा समास का नाम देंगे बच्चों? अव्ययी भाव समास कहेंगे। तो अव्ययी भाव समास को मैं फिर से दोहरा रहा हूं कि अव्ययी भाव समास क्या होगा? जिस सामासिक शब्द में पहला शब्द क्या होगा? उपसर्ग होगा, और पूरा शब्द मतलब टोटल वर्ड ये क्या होगा? एडवर्ब होगा। और एडवर्ब इज वन ऑफ द क्या है, एक तरह से अव्यय है, ठीक है ना, अविकारी शब्द है, तो उसे ही हम कौन सा समास कहेंगे बच्चों? अव्ययी भाव समास कहते हैं। तो बच्चों अब हम अव्ययी भाव समास की परिभाषा देखेंगे। परिभाषा, जिस सामासिक शब्द में पहला शब्द प्रधान प्रधान और पहला शब्द प्रधान और उपसर्ग हो तथा पूर्ण शब्द क्रिया विशेषण हो, उसे क्या कहेंगे बच्चों? हम अव्ययी भाव समास कहते हैं। उसे अव्ययी भाव समास कहते हैं। अभी तक हमने अव्ययी भाव समास की जानकारी ली, तो अब आज हम आखिरी समास का जो प्रकार है हमारा बहुव्रीहि, उसकी जानकारी लेंगे। तो अंतिम समास का प्रकार क्या है? बहुव्रीहि। बहुव्रीहि समास। तो यहां पर बहुव्रीहि समास के लिए आप पहले उदाहरण जानिए। एक उदाहरण लेता हूं मैं, और उसके आधार पर हम इसको जानने की कोशिश करेंगे कि बहुव्रीहि समास क्या है, उसका विग्रह कैसे करते हैं। तो देखिए, मैंने एक शब्द लिखा है यहां पर, पंकज। इस पंकज का जब हम एक तरह से देखेंगे तो पंक, और यहां पर ये ज, दो शब्दों से एक तरह से मिलकर बना है। पंख का अर्थ होता है कीचड़। पंख का अर्थ होता है कीचड़। पंख का अर्थ क्या होता है? कीचड़। और ज का अर्थ क्या है यहां पर? जन्म लेना। तो जो कीचड़ में जन्म लेता है उसे हम क्या कहते हैं? पंकज कहते हैं, ठीक है ना। लेकिन कीचड़ में जन्म लेने वाले बच्चों बहुत सारे कीड़े मकोड़े मच्छर आदि होते हैं, लेकिन उन सबको हम पंकज नहीं कहते। हम देखिए इसका वर्ड का जब मीनिंग देखते हैं तो क्या है, ये कीचड़ में जन्म लेने वाला क्या है? पंकज है। लेकिन पंकज का मीनिंग किसके लिए यूज करते हैं हम? कमल के लिए यूज करते हैं। किसके लिए यूज करते हैं हम? कमल के लिए ही यह शब्द एक तरह से क्या हो गया है? बना दिया गया है। लेकिन पंकज का अगर हम वर्ड मीनिंग देखेंगे तो क्या है? कीचड़ में जन्म लेने वाला, ठीक है। कीचड़ में जन्म लेने वाली बहुत सारी चीजें होती है, जैसे कि जो है मछलियां भी होंगी या मच्छर भी होंगे, कीड़े मकोड़े इंसेक्ट्स भी हो सकते, लेकिन उन सबके लिए हम जो है यहाँ पर पंकज शब्द का प्रयोग नहीं करते। हम पंकज शब्द का अर्थ किसके लिए लेते हैं? कमल, फूल जिसे कहते हैं, फूल है वो, उसके लिए हम पंकज शब्द का। तो देखिए यहां पर दोनों शब्दों का कोई इंपॉर्टेंट नहीं रहा, अब इन दोनों का, कीचड़ का भी और जन्म लेने का भी कोई इंपॉर्टेंट नहीं रहा, कोई
कोई विशेष महत्व नहीं रहा। लेकिन ये जो तीसरा जो मीनिंग दे रहा है, थर्ड मीनिंग जो हमें आ रहा है, थर्ड मीनिंग दीज आर गिविंग द कमल वर्ड, दैट इज इम्पोर्टेंट। तो यहाँ पर तो ध्यान देना है आप लोगों को कि बहुव्रीहि समास क्या है। बहुव्रीहि समास में दोनों शब्दों का कोई इम्पोर्टेंट नहीं होता बच्चों। हाँ, ये दोनों शब्द कोई महत्व नहीं रखते, लेकिन दोनों शब्द किसी तीसरे अर्थ को प्रकट करते, किसी तीसरे के लिए अर्थ देते। थर्ड पर्सन के लिए कोई मीनिंग वो फिक्स किया गया है। जब थर्ड मीनिंग दे रहे हैं वो दोनों शब्द मिलकर, किसी थर्ड व्यक्ति के लिए, थर्ड पर्सन के लिए जब वह मीनिंग फिक्स हो जाता है और उसका मीनिंग निकलता है, तब वहां पर कौन सा समास होगा बच्चों? बहुव्रीहि समास होता है। तो ये तो मैंने पंकज का उदाहरण दिया, अब आप लोग को और एक भी उदाहरण देता हूं मैं। दशानन, तो देखिए दशानन का यहां पर अर्थ है ये 10, और ये क्या है? आनन। आनन मतलब चेहरा, 10 मतलब संख्या, नंबर है यहां पर, उसके बाद आनन का मतलब चेहरा, तो मुख भी कह सकते हम। तो 10 चेहरे वाला, या 10 जिसके जो है आनन है, आनन मतलब मुख, मुख मतलब चेहरा, ठीक है ना। 10 आनन है जिसके, तो आप लोग जानते होंगे कि 10 सिर किसी के है, 10 चेहरे किसी के है, 10 मुख किसी के है, किसके है? वो पौराणिक एक रामायण का एक कैरेक्टर है। कौन है वो? रावण। तो ये दशानन शब्द संख्या और चेहरा मिलकर कोई थर्ड मीनिंग दे रहा है, वो थर्ड मीनिंग क्या है? रावण। तो ये दशानन शब्द किसके लिए आता है? रावण के लिए आता है। तो इस तरह से इस 10 का कोई मीनिंग नहीं रहा, आनंद का कोई मीनिंग नहीं रहा, मतलब कोई इंपॉर्टेंट नहीं रहा। तो इन दोनों का इंपॉर्टेंट मतलब दोनों मिलकर जो है कोई थर्ड मीनिंग दे रहे हैं। थर्ड पर्सन के लिए वो जब यूज किए जाता है वो वर्ड, तब वहां पर कौन सा समास बनता है? ये बहुव्रीहि समास। मतलब दोनों शब्दों का कोई इंपॉर्टेंट नहीं होता, तीसरा जो मीनिंग दिया जा रहा है वो मीनिंग के आधार पर उसका इंपॉर्टेंट बनता है। तो इस प्रकार के सामासिक शब्द को हम कौन सा उदाहरण मानेंगे? बहुव्रीहि समास का उदाहरण मानते हैं। उसी तरह से और भी मैं उदाहरण देना चाहता हूं। तो देखिए खग, खग का मतलब है आकाश में उड़ने वाला। कौन है वो आकाश में उड़ने वाला? किसे कहते हैं आकाश में उड़ने वाला? पक्षी। तो ये खग शब्द किसके लिए आता है? पक्षी। लेकिन इसका जब हम मीनिंग देखते हैं तो क्या है ये? आकाश में उड़ने वाला, आकाश में विचरण करने वाले को हम खग कहते हैं। लेकिन खग को हम किस मीनिंग में देख रहे हैं यहाँ पर? पक्षी, क्योंकि आकाश में उड़ने वाला को केवल कौन है? पक्षी। मनुष्य तो उड़ रहा है लेकिन वो नेचुरली है ना नहीं उड़ सकता, तो इसलिए नेचुरली उड़ने वाला क्या है? वो पक्षी। तो खग शब्द किसके लिए आया है? पक्षी के लिए। थर्ड मीनिंग दे रहा है यहाँ पर, ठीक है ना, तीसरे पर्सन के लिए मीनिंग दे रहा है यहाँ पर, इसीलिए यह यहाँ पर खग भी मतलब खग, उसी के साथ साथ दशानन, उसी के साथ साथ पंकज, ये तीनों शब्द भी किसके उदाहरण है बच्चों? बहुव्रीहि समास के उदाहरण है। तो यहां पर पंकज हो, दशानन हो, उसी के साथ साथ क्या है? खग, ये तीनों शब्द भी किसके उदाहरण है? एक तरह से बहुव्रीहि समास के उदाहरण है बच्चों, ठीक है ना। तो बहुव्रीहि समास वह सामासिक शब्द है। बहुव्रीहि समास किसे कहेंगे? जिस सामासिक शब्द में दोनों शब्दों का कोई महत्व नहीं होता, दोनों शब्द मिलकर कोई तीसरा अर्थ प्रकट करते हैं, किसी व्यक्ति के लिए हो सकता है, किसी वस्तु के लिए हो सकता है, ठीक है ना।
तो किसी वस्तु या व्यक्ति के लिए कोई तीसरा अर्थ प्रकट करते हैं दोनों शब्द मिलकर, तब वहां पर कौन सा समास बनता है बच्चों? बहुव्रीही समास बनता है। जैसे यहाँ पर भी पंकज में दो शब्द है, कीचड़ में, पंकज का सही अर्थ क्या है? कीचड़ में जन्म लेने वाला। तो कीचड़ में बहुत सारी चीजें जन्म लेती है, लेकिन उनके लिए हम पंकज शब्द का प्रयोग नहीं करते। थर्ड पर्सन जो उसका आ रहा है कौन है वो? कमल। तो कमल के मीनिंग के लिए, कमल उस फूल के लिए हम किसका शब्द का प्रयोग करते हैं? पंकज का। उसी तरह से दशानन, दस सिर है जिसके, तो दस सर तो सबके नहीं होते, तो एक ही एक व्यक्ति है, कौन है वो? एक हमारा पौराणिक कैरेक्टर है, पौराणिक जो एक तरह से चरित्र, रावण के लिए उस शब्द का प्रयोग किया जाए। मतलब यहाँ पर दस और आनंद का कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, वो किसके लिए मीनिंग दे रहा है? रावण के लिए। तो इसलिए वहां पर वो थर्ड मीनिंग प्रकट करने के कारण दशानन यहाँ पर कौन सा समास होगा बच्चों? बहुव्रीही समास होगा। उसी तरह से खग, आकाश में उड़ने वाले के लिए इस शब्द का प्रयोग होता है, लेकिन वह शब्द किसके लिए यूज किए करते हैं हम? पक्षी के लिए। तो इस तरह से खग, दशानन, पंकज, ये तीनों भी किसके उदाहरण है बच्चों? बहुव्रीही समास के उदाहरण है। तो बच्चों हम समास पर चर्चा कर रहे हैं, तो समास के अंतर्गत हम लोगों ने अभी तक समास क्या है, समास की परिभाषा क्या है, समास के प्रकार कौन कौन से हैं, इन सब बातों पर हमने अभी तक चर्चा कर ली है। जैसा कि आप लोगों को पता चला कि समास दो या दो से अधिक शब्दों को आपस में मिलाने से नया शब्द जो बनता है उसे हम सामासिक शब्द कहते हैं। तो इस प्रकार से नया शब्द बनाने की प्रक्रिया को ही हमने क्या नाम दिया बच्चों? समास नाम दिया। समास के कुल हमने कितने प्रकार देखे? 6 प्रकार देखे। कौन कौन से देखे वो? तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास, द्वंद्व समास, द्विगु समास, अव्ययी भाव समास, और अंतिम हमने बहुव्रीही समास की जो है जानकारी ली थी। तो अब हम आगे बढ़ रहे हैं। जैसा कि आप लोगों को मैंने उदाहरण दिया था, देखिए यहाँ पर पीतांबर, यह शब्द पीतांबर, इसका यदि हम विग्रह करते हैं तो पीले पीले है जो अंबर, इस तरह से विग्रह निकलता है। तो पीला मतलब जो है रंग है, तो यहां पर अंबर का मतलब आकाश नहीं है, अंबर का मतलब यहां पर कपड़े, कपड़ा से है, ठीक है, अंबर का मतलब यहां पर कपड़ा से है। तो अगर पीतांबर का मैं विग्रह इस प्रकार से करता हूं, पीले है जो अंबर, इस तरह से करता हूं, तो यह है जो तुलना हो रही है एक दूसरे के साथ, कपड़े की तुलना रंग के साथ करते हुए वहां पर विशेषण और संज्ञा का भाव समझ में आ रहा है। इसलिए यह जो वर्ड होगा इसका जो समास हम क्या लिखेंगे? कर्मधारय समास लिखेंगे, कर्मधारय समास। लेकिन इसी को मैंने अगर ऐसे लिखा तो देखिए पीतांबर, इसका विग्रह मैंने ऐसे किया, पीले अंबर धारण करने वाला, धारण करने वाला ऐसे लिखा, तो पीले वस्त्र धारण करने वाला कौन है? वह है श्री कृष्ण। कौन है वो? श्री कृष्ण। तो इसलिए ये दोनों पीले अंबर, ये दोनों अर्थ जो है किसी तीसरे के लिए, कृष्ण भगवान के लिए दे रहे, मतलब जो पीले रंग के जो है वस्त्र पहनते हैं उनके लिए वो प्रयुक्त होता है। अगर मैंने जो है समास का विग्रह इस प्रकार किया तो यह जो किस में चला जाता है? बहुव्रीही में चला जाता है। ये किस में चला गया? बहुव्रीही समास में चला जाता है। तो कर्मधारय और बहुव्रीही समास में ध्यान रखना है आपको, दोनों शब्द समान आ रहे हैं। दोनों शब्द जब समान आ रहे हैं तब विग्रह वाक्य के आधार पर उसका
समास का नाम या समास का भेद निर्धारित करना है। अंडरस्टैंड? तो यहाँ पर क्या है, जब समास का विग्रह करते हैं देन ओनली वी कैन फाइंड आउट विच ऑफ दैट समास का जो विच टाइप ऑफ समास इज दैट, हम तब फाइंड आउट कर सकते हैं। तो पीले है जो अंबर, यहाँ पर जो है डिफ्रेंशिएट या कंपेरिजन हो रहा है, इसलिए ये क्या होगा, कर्मधारय समास। अगर मैंने अगर हाँ अगर विग्रह वाक्य ऐसा है पीले अंबर धारण करने वाला या पीले वस्त्र है जिसके, इसको हम ऐसे भी ले सकते हैं, कैसे, पीले वस्त्र है जिसके, जिसके मतलब कौन, श्री कृष्ण। तो इसलिए यह समास मतलब ये पीतांबर अब किस समास में चला जाएगा, बहुव्रीहि समास। तो आप लोगों को कंफ्यूजन मतलब परेशानी हो सकती है कि पीतांबर शब्द हम किस समास में रखें, क्या कर्मधारय में रखें या बहुव्रीहि में रखें। तो ये दोनों में भी आता है, लेकिन डिपेंड करता है समास के विग्रह वाक्य पर। विग्रह वाक्य यदि आप ऐसा करेंगे पीले है जो अंबर, तो वो कर्मधारय में चला जाएगा। अगर हमने ऐसा किया पीले वस्त्र है जिसके या पीले अंबर धारण करने वाला, श्री कृष्ण के लिए वर्ड आया है, तभी जो वो किसके अंतर्गत चला जाएगा, बहुव्रीहि। तो एग्जाम में आप लोगों को क्या ध्यान में रखना है, अगर पीले है जो अंबर, इस तरह से आप लोगों को विग्रह वाक्य का सामासिक शब्द लिखकर उसका नाम लिखिए आया, तब आप लोगों को पीतांबर लिखकर कौन सा समास का नाम देना है, कर्मधारय। अगर आप लोगों को इस तरह से दिया गया है बच्चों कि पीले वस्त्र है जिसके, तब आपको यही वर्ड लिखकर लेकिन समास का नाम क्या लिखना पड़ेगा, बहुव्रीहि। तो ये डिपेंड करता है विग्रह वाक्य पर। समझ में आया बच्चों? अन्य हम अभी हमने जो है बहुव्रीहि और कर्मधारय में जो अंतर देखा, अब देखिए द्विगु और बहुव्रीहि में, अब ये अंतर भी हम पता करें, द्विगु और बहुव्रीहि में भी देख ले हम। तो देखिए मैं एक शब्द यहां पर सामासिक शब्द लिख रहा हूं, दशानन। दशानन, दशानन जो है समास का विग्रह हमने ऐसा किया था, दस सिर है जिसके, मतलब दस सिर जिसके है, दस जो हेड जिसके है वो कौन था, रावण। तो यहां पर तीसरे के लिए जो है वर्ड आने के कारण ये बहुव्रीहि समास में चला गया। लेकिन इसी दशानन का विग्रह दस सिरों का समूह ऐसे विग्रह किया, तो यह विग्रह करने पर यह किस में चला जाएगा बच्चों, ये द्विगु समास में चला जाएगा। तो यहां पर भी आप लोग को यही बात लागू करती है, यहां पर भी सेम नियम जो है हमें लागू करना है कि क्या, कि द्विगु और बहुव्रीहि समास के बारे में पहचानना है तो हमें क्या करना है, दस सिर है जिसके, जिसके वर्ड के साथ आया और वो थर्ड हमें पर्सन पता चल रहा है, तो वो कौन से समास में चला जाएगा बच्चों, बहुव्रीहि समास में चला जाएगा। अगर हमने ऐसे विग्रह किया दस सिरों का समूह, ठीक है ना, ग्रुप ऑफ टेन हेड्स, ऐसे किया तो वो किस में चला जाएगा, द्विगु। क्यों कंफ्यूजन होगा, क्योंकि आप लोगों को ये बताया गया है कि नंबर, पहला शब्द नंबर जिसमें होता है वो हमने कौन सा समास बताया था बच्चों, द्विगु समास बताया था। इसलिए दशानन जब आता है तो आप लोग को कंफ्यूजन हुआ होगा जब बहुव्रीहि समास की मैंने जानकारी दी थी आप लोग को, तो इसलिए डाउट क्लैरिफाई आप लोग का अभी ये मैं कर रहा हूं यहां पर कि दशानन का यदि समास विग्रह वाक्य हमने ऐसे किया कि दस सिर है जिसके, रावण, तो वो बहुव्रीहि में चला जाएगा। लेकिन यदि आप, यदि आपका जो है वहां पर समास विग्रह इस तरह से है, दस सिरों का समूह, तो वो किसके अंतर्गत चला जाएगा, द्विगु समास में चला जाएगा। उसी तरह से और एक, त्रिनेत्र, तो ये तीन आंखों का समूह, और इसी को हम इस तरह से भी लिखते होंगे, तीन आंखें हैं जिसकी,
तो यह किस में चला जाएगा और यह किस में चला है? ऊपर वाला विग्रह वाक्य किस में चला जाएगा? यह द्विगु समास में चला जाएगा। और नीचे वाला किस में चला जाएगा? बहुव्रीहि में चला जाएगा। तो इस तरह से समास विग्रह पर जो है डिपेंड करता है समास का नाम। तो यह आप लोगों को कर्मधारय और बहुव्रीहि समास में अंतर, उसी तरह से द्विगु और बहुव्रीहि में अंतर कैसे पहचानना है इसकी जानकारी आप लोगों को दे दी गई है। तो बच्चों अब हम अभ्यास कार्य करेंगे। समास का विग्रह कर नाम लिखिए। अब ये सामासिक शब्द हैं, इनको विग्रह करके आपको नाम लिखने के लिए परीक्षा में दिया जाता है। अब जन्म रोगी, इसका कैसे करेंगे बच्चों? जन्म से रोगी। अब से आने से ये किस समास में चला जाएगा? जैसे आप लोगों को बताया था का के की में पर से के लिए, ये सारे कारक चिन्ह जुड़ते हैं तो कौन सा समास? तत्पुरुष समास। तो इसका नाम क्या होगा? तत्पुरुष समास, तत्पुरुष समास। तो बच्चों देखिए जन्म रोगी, इसका हमने समास विग्रह कैसे किया? जन्म से रोगी। तो समास क्या, समास का नाम क्या होगा? तत्पुरुष समास। तो समास का नाम क्या है यहाँ पर? तत्पुरुष समास। तो इस तरह से हम आगे बढ़ रहे हैं। रण क्षेत्र, तो क्या होगा? क्षेत्र मतलब फील्ड, रण मतलब युद्ध, युद्ध ठीक है ना। तो इसके लिए क्या होगा? रण का क्षेत्र। तो ये भी किस में चला जाएगा? तत्पुरुष समास, तत्पुरुष समास। उसके बाद थर्ड वन देखिए, राजमाता, तो क्या होगा? राजा की माता, किसमें चला जाएगा? ये भी तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास के ही ज्यादा उदाहरण हैं। अब आगे दूसरे उदाहरण भी आएंगे या नहीं आएंगे चेक करते हैं हम। मृग नयन, मृग मतलब हिरण, मृग मतलब क्या है? मृग मतलब हिरण और नयन मतलब आंखें। तो अब आंखों की तुलना किसके साथ की गई है? हिरण के साथ, मतलब हिरण की आंखें जैसी है तो उस औरत की या उस व्यक्ति की भी जो है क्या होगी? आंखें होगी। तो इसलिए यहां पर क्या करेंगे? मृग के समान नयन। तो ये किस में आ जाएगा? कर्मधारय समास, कर्मधारय समास। उसी तरह से चंद्रशेखर, तो देखें यहां पर चंद्र है जिसके सिर पर, तो यहां पर जिसके आ गया और चंद्र है जिसके सिर पर, चंद्र जिसके सिर पर है, ऐसा कौन है व्यक्ति, ऐसा कौन है जो थर्ड पर्सन? तो शिव। तो ये किसके लिए आता है? शिव। तो यही कौन सा समास होगा बच्चों? फिर बहुव्रीहि। ये कौन सा समास होगा? बहुव्रीहि समास का उदाहरण है ये शिव। चंद्र है जिसके सिर पर, ठीक है ना, शिखर का मतलब है ऊपर। तो सत्याग्रह, सत्य के लिए आग्रह, तो ये भी तत्पुरुष समास में चला गया, तत्पुरुष समास। ठीक है बच्चों, तो इस तरह से आपको समास का विग्रह करके नाम देना पड़ेगा। और परीक्षा में ऐसे भी सवाल आएंगे या फिर आपको जो है विग्रह वाक्य दिए जाएंगे और सामासिक पद बनाने के लिए किया जा सकता है, या फिर जो है समस्त पद देकर केवल नाम बताइए, इस तरह से आप लोगों को परीक्षा में पूछे जाने की संभावना रहती है। तो बच्चों तो दूसरा उदाहरण देखिए, यहाँ पर समस्त पद बनाकर समास का नाम लिखिए। तो यहाँ पर समास के विग्रह दिए हुए हैं, समस्त पदों के विग्रह दिए हैं। आप लोगों को क्या करना है, अब यहाँ पर इनका एक समस्त पद बनाना है। जैसे धूल से मुक्त क्या होगा बच्चों? धूल मुक्त। तो यहाँ पर समास पहचानने में आप लोगों को कोई दिक्कत हो रही है? कुछ नहीं, क्यों? क्योंकि से आया है तो इसलिए ये कौन सा समास होगा? तत्पुरुष समास। दूसरा,
स्त्री रूपी धन, मतलब स्त्री की तुलना जो है किसके साथ, धन के साथ की गई है, तो यहां पर स्त्री धन होगा। और कर्मधारे, समास कौन सा होगा, कर्मधारे। वही आठ, तीसरा उदाहरण देखिए बच्चों, आठ आनों का समूह, आने जाते पैसों के लिए आता है आने, तो आठ आने मतलब 50 पैसों का समूह, तो यहां पर क्या बनेगा इसका एक वर्ड, अठन्नी। और समास क्या होगा, द्विगु, क्योंकि नंबर आने से क्या होता है, द्विगु। ओके, उसी के बाद जो है चौथा हमारा उदाहरण है अन्न और जल, ये क्या बनेगा बच्चों, अन्न जल। कौन सा उदाहरण है ये, द्वंद्व का, कौन सा उदाहरण है, द्वंद्व समास का उदाहरण है। उसी तरह से पांचवा उदाहरण देखिए बच्चों, पांच आनन हैं जिसके, पांच सिर किसके होते हैं, ये कार्तिकेय के लिए आया है, थर्ड पर्सन के लिए नाम, तो इसलिए ये क्या होगा एक तरह से पंचानन, इसका समास समस्त पद क्या होगा, पंचानन, जैसे दशानन देखा था हमने उसी तरह से पंचानन। और समास क्या होगा ये, बहु व्रीही। ठीक, उसी तरह से जन्म भर, मतलब पूरे जन्म मैं जन्म भर उनकी सेवा करूंगा, तो इसके लिए एक वर्ड क्या लिखेंगे हम, आ जन्म। तो आ उपसर्ग आ जाने से आप लोगों को संपूर्ण शब्द क्रिया विशेषण हो जाने से ये कौन सा उदाहरण बनता है, अव्ययी भाव समास। तो इस तरह से आप लोगों को परीक्षा में पूछे जाने की संभावना रहती है। तो हम इस समास के इस व्याकरण भाग के अंतर्गत समास क्या है, समास की परिभाषा क्या है, समास के उदाहरणों पर चर्चा की हमने, उसी के साथ साथ बच्चों हमने समास के प्रकार क्या है इसकी भी जानकारी ली हमने। समास के एक एक प्रकार की जानकारी उदाहरण के बाद हम लोग अंत में हमने ये भी देखा कि कर्मधारय समास और बहुव्रीहि समास में अंतर क्या है, उसी के साथ साथ द्विगु समास और बहुव्रीहि समास में क्या अंतर है, इन दोनों पर भी हमने चर्चा की। और अंत में हमने परीक्षा में किस प्रकार से आपको प्रश्न पूछे जा सकते हैं उसकी भी चर्चा कर ली। इसी के साथ हमारा समास नाम का यह व्याकरण अंश समाप्त होता है। धन्यवाद।